उन्होंने जब देखा कि ये सुअर बना घूम रहा है, सुअर को अगर जूही के बाग में भी भेज दो तो वहां भी वो मल ढूंढेगा, गुलाब के बगीचे में भी भेजो सुअर को तो गन्ना से ढूंढेगा, कर दिया क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है। तो भगवान पर भरोसा, उनसे प्रेम करना, और जिसको भगवान पर जिस दिन भरोसा पूर्णता हो जाएगा, अनन्य भाव से हो जाएगा, उसका दुख उसी क्षण मिट जाएगा। जन्म और सत्यजन बड़े भाव से दो पंक्ति गाएंगे, बड़ा सुंदर भजन भाव से भरोसा कर तू ईश्वर पर Yeah.
आनंद नंदन का ध्यान कर रहे थे श्री कृष्णदास पैहारी दास जी महाराज। गोपाल को चिंता हुई, पूरा दिन बीत गया, पैहारी दास जी को दूध नहीं मिला था। लेकिन पैहारी दास जी महाराज उदास बिल्कुल नहीं हुए कि भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हम लोगों के पास तो इतना कुछ है खाने को, इतना कुछ पहनने को, गिनती नहीं कि अलमारी में हम खुद ही नहीं याद होगा कि हमारे पास कितनी साड़ियां, कितने सूट, कितने प्रकार के कपड़े। कोई पूछे आपके पास कितनी साड़ी है, कितने पैंट शर्ट होंगे। बहुत लोगों के पास तो खुद ही नहीं जानते कि हमारे पास इतना वस्त्र है। तो ये क्या है, ठाकुर जी की कृपा ही तो है, स्वस्थ भी है, चल फिर भी पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भगवान भी आकर इस माया नगरी में कहते हैं कि मैंने कितना दुख उठाया। कन्हैया का जीवन उठाकर देख लो आप, बेचारे जन्म में मथुरा तेल खाने में भगवान, और फिर भागे कहा तुरंत गोकुल, तुरंत गोकुल जाना पड़ा भगवान। और वो मथुरा से आए गोकुल, और गोकुल में रहे तो ढाई बरस वहां भगवान ने, फिर वृंदावन भागना पड़ा 11 वर्ष, तो भगवान ने वहां पर लीला करी, और उसके बाद भगवान ने फिर वृंदावन से फिर मथुरा आए, बेचारे वहां भी नहीं रहने पाए ठाकुर जी। फिर वहां से भगवान को जमीन में कहीं जगह नहीं मिली भगवान को। संसार के व्यक्तियों ने, दुष्टों ने भगवान को जो सगुण रूप में परमात्मा प्रकट थे, कन्हैया को भी रहने किसी ने दिया। भगवान कहाँ भागे, समुद्र में जाके घर बनवा ठाकुर जी, और फिर आप अपने घर वाले ही लड़कर मरने लगे, मर के चले गए और भगवान के चरण में बांट लगा। और भगवान अपने परम धाम, तो भगवान कहते हैं दुख से घबराना नहीं, यही तो भगवान ने यही नाटक किया। ये कथा जो है ये कोई सचमुच भगवान का चरित्र नहीं है कि भगवान की अपनी घटना घट रही है, उनके जीवन की घटना नहीं, वो उनकी लीला है। हम लोगों के लिए भगवान का कोई वो नहीं है, ये तो हम लोग कहते हैं भगवान का चरित्र, लेकिन भगवान तो दुख सुख से परे हैं, मन बुद्धि वाणी से परे हैं परमात्मा। हमारी मन बुद्धि वाणी भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन भगवान चाहे तो वो हमारे मन तक, हमारी बुद्धि तक, हमारी वाणी तक वो प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भैया हम चाह करके भी भगवान तक हमारा प्रवेश हो ही नहीं सकता, ठाकुर जी चाहते भगवान की कृपा। और फिर श्री पैहारी दास जी महाराज जी एक दिन बीता, दो दिन बीता, गोपाल को चिंता हुई, वहां ग्वाल वहां सब अरावली की पहाड़ियों में वहां के यादव होते हैं, उसको सब गाय चराने आए, और एक गाय गाय थी नई, थोड़े ही दिन हुआ था, और इतना दूध देती थी वो ठाकुर जी की कृपा से कि जैसे झरना बहता ऐसे ही उसका दूध अपने आप कभी कभी टपकने लगता था, इतना ज्यादा दूध। अब वो कहाँ पहुंच गई, उस गुफा में जाते जाते ठाकुर जी ने उस गौ माता को भेज दिया पैहारी दास जी के पास, गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई और झरना बहने लगा। श्री पैहारी दास जी महाराज अपना कमंडल लेकर के गए और दूध को रोपा और कहा बस गौ माता बस ज्यादा नहीं चाहिए, इतना में मेरा काम थोड़ा ही हो जाए। प्रणाम किया गौ माता को, छाना दूध, अब तो दीयम वस्तु गोविंद दुग्ध में वो समर्पय, भगवान को मन से भोग लगाया और फिर केवल दूध पी लिया, फिर तपस्या है। फिर दूसरे दिन उसी समय पर वो गौ माता गोपाल भेज रहे हैं, बताओ तब भगवान को चिंता है, हम लोग तो मांगने पर रहते हैं, तो कहा मिलता, लेकिन जब भगवान देने पर उतर जाते हैं मनुष्य क्या रख पाएगा, कितना रख पाएगा वो, कब तक रख पाएगा। ठाकुर जी तो जब देते हैं तो छप्पर फाड़, अब वो रोज गौ माता उस गुफा के पास आ जाती, वही दिन देखकर वो रोज चलता रहता। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि हमारी गाय बहुत ही गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है। उस दिन ग्वाले ने पीछा किया, देखा कि तो गुफा के अंदर जा रही है गाय, वहां क्या भाई बात, गुफा में घुसे रहता है। जाकर देखा तो श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज
उनके एक एक रोम से प्रकाश हो रहा था और वो जब गाय आती थी ना दूध देने वहां उसके एक एक रोम खड़े हो जाते थे। संत भगवंत का दर्शन जो सच्चे भक्त होते हैं उनसे अपने आप भीतर से जुड़ाव आकर्षण हो जाता है। दूध दिया गाय ने, वो जाकर वाला चरणों पर प्रहलादास जी महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा। महाराज आप जैसे संत हमारे नगर के पास विराजमान है ये हम सबका परम सौभाग्य और अगर आपको कुछ मिलता नहीं तो इस देश का भगवत अपराध होता और भगवत अपराध जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावो ये तो गौ माता ने हम सबको पाप होने से बचा दिया। और फिर वो ग्वाला भी रोज गाय को लेके आता और दूध देकर जाता। कृष्णदास प्यारे जी महाराज सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, बोले वत्स भर मांगो जो तुम्हें चाहिए आज लो वो तुम मांग लो जो चाहिए तुम्हें। लेकिन वो ग्वाला भी इतना परमार्थी जीवन में अच्छा हमारा शरीर जो है वो परमार्थ के लिए है। ये शरीर किसके लिए है? पति के लिए है, बच्चों के लिए, अपने लिए है क्या? कौन है जो अपने लिए कमा रहा है? पति किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। अपने लिए किसी चीज का उपयोग कितना कर सकते हैं जब शरीर भी दूसरे के उपयोग के लिए, दूसरे की सेवा के लिए। वो वाला इतना परमार्थी, इतना परमार्थी कि जब वर मांगने को कहा तो कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं कुछ तो मांगो बस। प्रसन्न हो कई बार जब कृष्णदास पधारे जी महाराज जी ने कहा तो उसने कहा कि महाराज बस एक ही वर दो कि हमारे यहाँ के जो राजा थे वो बड़े धर्मात्मा थे, अब पुत्र को उतना प्रेम पिता नहीं करेगा जितना वो राजा हम सबसे प्रेम। घर घर जाते थे, कभी किसी के घर, कभी जिसके घर में अधिक परेशानी उसके घर राजा पहुंच जाते हैं और अपनी व्यथा नहीं पहले हम सबकी व्यथा दूर करते। हमारे नगर के, हमारे देश के ऐसे राजा तो क्या करूं, उनका राज छिन गया है, मिल गया। सोचो तो राजा कितना धर्मात्मा रहा होगा कि अपने लिए नहीं अपने राजा के लिए मांगा। पहाड़ी दास जी महाराज जी के लिए तो अश्रु निकल पड़े कि धन्य है ये गांव, धन्य है ये देश जहां ऐसे लोग बसे। अच्छा अच्छे लोगों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोगों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, थोड़ा अलग अलग कहीं दूर दूर भी जाना चाहिए। क्यों? एक बार नानक और उनके शिष्य मर्दाना यात्रा पर थे। नानक जी, गुरु नानक देव और मर्दाना उनके शिष्य। अब जब गांव देश देशांतर में जाते तो लोग नानक जी की बड़ी सेवा करते, नानक जी पधारे, नानक जी पधारे, सब अपने घर में बैठाने को तरसते, हमारे घर में चरण रख दे महाराज जी, हमारा घर पवित्र हो जाए, संतों के तो चरणों में समस्त तीर्थ का वास है, लोग ऐसा भाव। लेकिन एक गांव में गए नानक जी, वहां किसी ने पानी नहीं पूछा, एक आदमी नहीं पूछा, तो वहां क्या आशीर्वाद देते हैं नानक जी कि भगवान तुम लोगों को इकट्ठा रखे। और जब और गांव जाते थे जहां सेवा होती थी वहां कहते थे कि ईश्वर इनको एक जगह ना रखना, अलग अलग कर देना। मर्दाना बड़े परेशान में कि कौन सा आशीर्वाद गुरु जी देते हैं, क्या होता है जो सेवा करता है उसको कहते हैं अलग अलग हो जाओ, और जो ऐसा पूछता है कि पानी भी नहीं पूछता उसको कहते हैं तुम एक जगह बसे रहो, ये क्या है? मर्दाना से रहा नहीं गया, नानक जी से पूछ ही लिया कि बताइए नानक जी गुरुदेव ये क्या बात है, क्या ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? उन्होंने कहा भैया अगर दुष्ट लोग अलग अलग जगह चले जाएंगे तो हर गांव गंदा कर देंगे, हर स्थान हर मंदिर गंदा कर देंगे, गांव गांव गंदा कर देंगे, इसलिए दुष्ट लोग इकट्ठा रहे तो बढ़िया है, और ये जो अच्छे लोग आए ये अगर जगह जगह जाएंगे तो अपनी अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए ये लोग बढ़ते रहे दूर दूर जाते रहे। तो हर घर में अगर एक अच्छा आदमी है तो उससे स्कूल का उद्धार होता रहता है, तब तक कोई विपत्ति नहीं आती जब तक उस घर में कोई भागवत होता है। और आपने सुना होगा कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भैया उनकी माँ जी तब तक तो ऐसा होता था, उनके
के पिताजी थे तब तक तो उस घर में ऐसा भावना ऐसे संतों की सेवा थी ये सब था, लेकिन जब से वो चले गए कुछ नहीं हो गया। तब तक बहुत बड़ा उपकार है संतों के माध्यम से। तो संत विटक सरिता
झरनी, पहाड़ पर्वत, नदी को देखो, इन सब का जीवन समर्पण। तो संत जन भाव से गाते हैं, हम भी भाव से गाते हैं। Thank you.
साथ मिला तो वहां के राजा का भाग्य बदल गया। देखो सिद्धि या जो भी हमारे पास आ रहा है उसका सही जगह पर। श्री स्वामी वृंदावन के जो एक संत हैं हरिदास जी, स्वामी हरिदास, बड़े प्रसिद्ध श्री हरिदास जी महाराज की सिद्धि चारों ओर फैली थी, चारों दिशाओं में फैली थी। बड़े सिद्ध महात्मा तो उनके सिद्धि के प्रभाव को देखकर एक उत्तराखंड के ऋषि ने देखा राखी में तपस्या की, उनको उन्होंने सिद्धि अर्जित की। वो एक दिन वो भी शेर बनकर आए महाराज जी के पास, महाराज जी को बुलाया, लेकिन स्वामी जी डरे नहीं, हंस पड़े। सोचा कि देखो ये शेर बन के आए हमारे पास, अब क्या करूं इनका, मैं इनका क्या करूं। फिर वो रोने लगे, हंसते हंसते रोने लगे। एक उनके शिष्य ने पूछा, महाराज जी आप क्यों रोने लगे अचानक? उन्हें इसलिए कि इनको सिद्धि भी मिली तो ये शेर बना है, कभी सांप बन रहा है कभी शेर बन रहा है। अरे ढंग का आदमी बन के आता तो भी बात है, अरे देवता बन जाता, सुंदर अनाड़ी पुरुष का रूप धारण कर लेता। सिद्धि भी मिली तो उसे शेर चीता और सांप बन के आता। तो एक दिन श्री महाराज जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन में यमुना के किनारे मोर आते थे बहुत सारे उनके पास और दाना रोज डाल देते थे, तो वहां पे हजारों हजार मोर आ गए दाना चुनने के लिए। तो वो जो पर्वतपुरी नाम के जो उत्तराखंड से आए थे सिद्धि प्राप्त करके, वो मोर बन के आए और दाना चुनने लगे सब मोरों के बीच में। महाराज जी ने कहा, देखो आज भैया नया मोर आ गया है, आज नया मोर आया। उनकी सिद्धि को कि देखो इतने सिद्ध महात्मा ये सब जानते हैं लेकिन अपनी सिद्धि दिखाते नहीं है। दिखावे का जीवन बढ़िया नहीं, सरलता सहजता का जीवन जो हमारे भीतर है वो अच्छी चीजें भी हम संजो के रखें। देखो धन जो होता है संपत्ति उसको लोग छुपा के बताते नहीं, उसको बड़ा ऐसे ही जो राम नाम रूपी धन, जो तपस्या रूपी धन है उसको छिपाना चाहिए। अगर आजकल तो फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप, अगर वो कहीं रामेश्वरम की यात्रा पर है तो जितने लोग फेसबुक पर है सबको पता चलेगा कि वो रामेश्वरम की यात्रा पर है। अपनी तपस्या अपने अपराध को सत्य जानिए, शास्त्रों में लिखा है अगर कोई अपने अवगुणों को बताता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने अवगुण बताए संतों से, किसी से, महात्मा से, तो पाप खत्म हो जाएंगे। गलती का किया हुआ जो फल मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किया गया जो सत्कर्म है उसका भी गान कर देंगे तो उसका भी फल नष्ट हो जाएगा। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी एक ब्राह्मण हुए दयालाल नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन ब्राह्मण बहुत गरीब थे तो धन था नहीं, तो एक संत ने उन्हें बताया कि जाओ तो तुम जम्बू द्वीप में तपस्या करो धन प्राप्ति के लिए। और जम्बू द्वीप में रहते थे जामवंत जी जम्बू द्वीप में ही रहते थे उस वक्त। तो वहां जब तपस्या करने गए तो जामवंत जी ने देखा और श्री जामवंत जी 12 साल के बाद प्रकट हुए। कलिकाल की तपस्या है 12 वर्ष, कोई भी अगर 12 वर्ष काम क्रोध लोभ मोह अगर एक विकार भी छोड़कर भले सब नहीं छोड़ पा रहे, अगर एक छोड़ेगा तो और अपने आप कम हो जाएगा। अगर एक का भी संकल्प करके कोई 12 वर्ष तक भगवान का नाम का जप करे दिन रात जितना बन पाए उससे जितना हो सके मौन रहे यदि विकारों से बच के केवल 12 वर्ष तक कोई तपस्या कर ले तो उसके पास समस्त सिद्धियां प्रकट हो जाए। समस्त सिद्धि जो कहेगा वही होगा। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जामवंत जी आए और एक मणि प्रदान करे, बोले इसे ये पारस मणि है, ऐसी जीवन मणि है इसे लोहा दुनिया से कोई भी वस्तु अगर इसमें स्पर्श कराओगे तो ये सोना ही हो जाएगी, पारस से भी बढ़कर मणि जामवंत जी ने दिया। ब्राह्मण ने कहा
प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन्होंने कहा देखो 12 वर्ष तक ही इसका उपयोग कर सकते हो, 12 वर्ष के बाद ये मणि अपने आप नष्ट हो जाएगी, इसलिए 12 वर्ष तक इससे जितना चाहे धन कमा लो और उसके बाद ये अपने आप विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी ये मणि 12 वर्ष के बाद। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, लेकर के आए रोज सोना बनाए, रोज सोना बनाए, भगवान का उसे भंडारा करे, ब्राह्मणों को सोने की थाल चांदी के गिलास चम्मच कटोरी सब दान करे। खूब ब्राह्मण देवता खूब धन इकट्ठा हो गया। 10 वर्ष बीत चुके थे, 11वां चल रहा था, सोचा